आई हैव सेंट आफ्टर एवरी चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड. तो आपने सेव करके नहीं रखे क्या? क्या करो, जब मैं चैप्टर खत्म होने के बाद लिंक भेजता हूँ तो वो सारे लिंक यूट्यूब में ओपन करने के बाद लेक्चर सेव पे क्लिक करो तो वो सेव्ड वीडियोस में वो सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे यूट्यूब में. ठीक है, मैं भेजूंगा, वैसे हर एक चैप्टर वाइज भी भेजूंगा. ओके, सिंपल इंटरेस्ट का पहला वर्कशीट, पहले वर्कशीट में कोई डाउट है क्या? निकालो सिंपल इंटरेस्ट वर्कशीट नंबर वन. कितने क्वेश्चन थे? 10 ही क्वेश्चन थे. हाँ श्रेयस, हम लेंगे आपका शॉर्ट ट्रिक भी लेंगे श्योरली. यस, पहले 10 क्वेश्चन में कोई डाउट? कोई नहीं. ठीक है, वर्कशीट टू. वर्कशीट टू में कोई डाउट? नो सर. स्वरा, ये वर्कशीट टू का है ना क्वेश्चन फाइव डाउट? वर्कशीट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन फाइव. युवराज ये आपका वर्कशीट टू का है ना नाइन्थ? ओके, तो पहले ये क्वेश्चन फाइव सॉल्व कर लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट 4 पैसे पर रुपी पर मंथ इफ द सम ऑफ 8,000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 years देन द सिंपल इंटरेस्ट इज. ओके, सो 4 पैसे पर रुपी पर मंथ. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. मतलब रेट का वैल्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग. वैसे देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारा, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100. यहाँ पे पी का वैल्यू है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 3 years इंटू रेट हमें क्या लेना है वो हमें अभी ढूंढना है और अपॉन में 100. तो बस रेट का वैल्यू यहाँ पे, तो रेट क्या दिया है? रेट इज 4 पैसे पर रूपी पर मंथ, ऐसे बोला. तो जनरली रेट जो रहता है वो पर एनम रहता है, ईयरली रेट रहता है. ठीक है, मंथली कभी नहीं रहता. अभी ईयरली रेट करने के लिए इसको पहले हमें पर ईयर बनाना पड़ेगा, तो इस पर मंथ को पर ईयर बनाना पड़ेगा और 4 पैसे पर रूपी. तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 8,000 रुपी है जो डिपॉजिट किए हुए हैं. तो पर रूपी के लिए 4 पैसे, तो 8,000 रुपी के लिए कितने पैसे आएंगे? सो वन रुपीस के लिए 4 पैसे इतना रेट आ रहा है. तो हमें 8,000 रुपीस के लिए कितना रेट मिलेगा उसको हम समझो एक्स लेते हैं. सो वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू 32,000 पैसे. मतलब ये 2 जीरो अगर कट कर दिए मैंने तो 320 रुपीज
320 रुपीज इतना क्या आएगा, और 320 32,000 पैसे इतना उसका ये होगा रेट होगा पर मंथ, और रुपीज में 320 रुपीज पर मंथ। अभी देखो 320 रुपीज पर मंथ तो साल भर के लिए कितने रुपीज आएंगे, एक महीने के लिए 320 रुपीज, तो पर ईयर के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि मंथ मतलब क्या है, एक साल में 12 महीने रहते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक महीने में 320 रुपीज, तो 12 महीने में 320 × 12। रुपीज पर ईयर, सो थ्री 8,40 रुपीज पर ईयर। रेट जनरली परसेंटेज में रहता है, रेट इज नेवर कैलकुलेटेड इन द रुपीज। तो यहाँ पे जब आप रेट लेंगे तो इसको भी परसेंट में लेना जरूरी है, ये रुपीज पर ईयर है तो इसको परसेंटेज में लेने के लिए आपको पहले इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेट जनरली परसेंटेज में रहता है इसीलिए। और जब भी आप परसेंटेज का बात करते हो तो बट दिस मच रेट इज टू मच अमाउंट, एक्चुअली इतना बड़ा रेट कर रहे हैं। सर व्हाट इज मीन बाय सम, सम का मतलब प्रिंसिपल, मुद्दल। ओके सर, तो वहां पे तो ऑलरेडी डिवाइड किया है, और इसका रेट हम एज्यूम नहीं कर सकते क्या सर? हाँ, नहीं नहीं, डोंट अज्यूम थिंग्स। सर 3840 × 3 = सर आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट। यस सर, 3 × 4 × 8,000। नो नो, आई एम कैलकुलेटिंग ओनली द रेट, ये ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला जो है वो रहता है P × R × T/100। एक मिनट, SI का फॉर्मूला है हमारा P × R × T/100, प्रिंसिपल इज 8,000 इंटू रेट, हमें अभी पता नहीं, नंबर ऑफ इयर्स आर 3/100। अब ये रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट यहाँ पे, हाँ बोलो, रेट डायरेक्टली 4 पैसे कैसे ले सकते हैं सर, बिकॉज अदर अमाउंट आर इन रुपीस। वही वही तो मैं सोच रहा हूँ, अगर अदर अमाउंट को हमने पैसे में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के बदले इस अमाउंट को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो कैलकुलेशन देखते हैं। तो इस अमाउंट को अगर हमने 8,000 के ऊपर और 2 जीरो बढ़ा दिए तो उतने पैसे हो जाएंगे। अभी ये 4 पैसे
पर रुपी पर मंथ हो गया, तो एक महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए ये रेट इंटू 12 लिखना पड़ेगा इंटू 3 अपॉन 100। तो ये 4 इंटू 12 आएगा पैसे में, ये 20 कैंसल। इसका कैलकुलेशन देखो, 8000 इंटू 100 8000 इंटू 144 तो सर, सो सर 80 इंटू 144 बिकॉज कैन वी कन्वर्ट 80 इंटू, यस यस वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू रुपीज ओनली, अल्टीमेटली फाइनल आंसर रुपीज में ही लाना है। तो 20 आपने अभी से कट किए तो भी चलेगा, सीधे सीधे 144 इंटू 80 देखो अभी 144 इंटू 80 हाँ answer is much bigger sir and that is not an option sir, yes to iska matlab is inka galat ho gaya sir, can we take only 4% sir, rate is no no, no 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 rate has to be per annum, to fir aap 3 years ko month mein convert karo, per month agar lete hain to fir isko 3 साल को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 18 महीने, 3 साल के कितने महीने होते हैं, इनटू 12 करना पड़ेगा 36 महीने। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू, क्या बोलते हैं, नॉट वैल्यू द सर दे सर देन दैट क्वेश्चन दैट समथिंग इज रॉन्ग सर, क्या आई थिंक दैट सेंटेंस इज रॉन्ग सर, 4 पैसे पर रुपए पर मंथ, आई थिंक सर है ना। देखो ना अभी आप ही सोच सकते हैं, ऐसे एकदम सिंपल टर्म्स में देखो कि एक महीने में उसको 4 पैसे रेट लग रहा है, ठीक है, तो एक साल में 4 × 12 48 पैसे रेट लगेगा, तो 12 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। हमने किया हुआ आंसर ही सही है, मीन्स सर ये गलत किया हुआ है सर। हाँ हाँ ऑप्शन, ऑप्शंस आई एम 100% श्योर दैट दे आर रॉन्ग। तो हमने कैलकुलेट करते हो फिर से फाइनल, 8000 को पैसे में कन्वर्ट किया, बाद में पी इनटू आर रेट को लेते वक्त हमने सर वो पर मंथ नहीं पर ईयर है सर, सर हाँ सर अगर हम 4 पैसे पर रुपी पर मंथ का अगर एक महीने का 8000 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 3840 आएगा सर, और 3840 इंटू वो एक साल का हो गया, फिर 3 साल का इज इक्वल टू 3840 इंटू 3, सो आंसर 11520 ही आता है सर। सर ऐसे करो ना सर, वो 3 है ना, वो 36 अपॉन 3 ईयर को ना सर, मतलब वो 12 कट जाता है ऑलरेडी, और बच जाता है 11520। सर मैं कुछ बताऊं, ऑप्शन 5th लिखो यहां पे 11520, दिस इज द सर। हां बोलो 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 जल्दी सर। हां वो पर मंथ नहीं हो सकता सर, क्योंकि मीन सर मैंने अज्यूम किया सर पर मंथ की जगह पर, अगर पर ईयर आया तो सर आंसर आ रहा है सर 960 आ रहा है, आंसर आता है सर फिर 960 सर, वो फिर हम मिस्टेक होगी, तो फिर हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं ना सर, अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं तो फिर ये 12 हमें डिलीट करना पड़ेगा सर, कैन वी सर ऑप्शन के लिए, ठीक है ऑप्शन मैच करने के लिए इसको फिर आप पर ईयर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करो एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं चेंज करना हमें, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो फिर इसका फिर कैलकुलेशन ऐसे आएगा 8000 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100 यस ईयर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा तो
सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा तो क्या करें? एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा तो सबको बोनस दिए जाते हैं. दैट इज द रूल ऑफ JEE एंड नीट एंड IIT. सर आंसर लिखना या नहीं फिर? नो, यू हैव टू अटेम्प्ट. यू शुड अटेम्प्ट. कुछ भी सर, कुछ भी लिख दे रहा सर. ये क्वेश्चन सर हम नहीं करते सर, तीसरा ले लो ना. तीसरा मतलब ये? यस सर. वर्कशीट वन का ही? यस सर, यही. ठीक है, तो वेरी गुड. जिसने क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है सोरा ने पूछा, तो यहाँ पे आपने अगर पर ईयर लिया तो फिर आंसर करेक्ट आएगा. ठीक है. यस. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. A person borrowed an amount of rupees 15,000 from a bank at the rate of 20% per annum. ये बहुत होशियार बंदा है. ये बैंक से 15,000 लोन लिया उसने और 20% से ही लिया, और एक दोस्त को उसमें से 10,000 दे रहे, 25% उससे 25% रेट से उससे पैसे जमा कर रहा है, और बचे हुए 5,000 उसने दूसरे दोस्त को दिए और उससे वो 30% पर एनम से इंटरेस्ट ले रहा है. तो इसका मतलब वो बैंक को कम दे रहा है, 20% ही दे रहा है, लेकिन खुद दोस्तों से ज्यादा ले रहा है. एक दोस्त से वो 25% ले रहा है, दूसरे से 30% ले रहा है. सो इफ ही रीपेज द अमाउंट टू द बैंक आफ्टर 3 years, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही गेट्स, ही विल श्योरली गेट द प्रॉफिट 3 साल के बाद. क्योंकि क्या होगा, वो बैंक को तो कम ही देगा, क्योंकि वो बैंक का रेट 20% पर एनम ही है, लेकिन दोस्तों से वो ज्यादा कलेक्ट कर रहा है. 25% रेट से कलेक्ट कर रहा है और एक दूसरे दोस्त से 30% रेट से कलेक्ट कर रहा है. तो उसका प्रॉफिट पूछा गया, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 3. तो इसमें आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि वो 3 साल के बाद बैंक को कितना देगा. तो फॉर बैंक, बैंक के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट कितना रीपे करेगा, दैट विल बी इक्वल टू PRT इनटू 100. तो प्रिंसिपल 15,000 बैंक से लिया, बैंक का रेट 20% है और 3 साल के लिए लिया अपॉन 100. ये 00 कैंसल. सो आफ्टर 3 years ही विल रीपे दिस मच अमाउंट टू द बैंक, दैट इज 152,300, 3,000 इंटू 3, 9,000. करेक्ट है ना रे कैलकुलेशन? यस सर. अभी बैंक को 9,000 रुपीज देगा, अभी वो दूसरे दोस्तों से ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर रहा है. तो फ्रेंड नंबर वन से वो इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है, उसने उसको 10,000 दिए, ये प्रिंसिपल इंटू रेट उससे वो ले रहा है 25% इंटू 3 साल के लिए अपॉन 100. ठीक है, PRT अपॉन 100, या 00 कैंसल. सो इट विल बी 2500 इंटू 3, दैट इज 7500. 7500 पहले दोस्त से उसको मिलेंगे 3 साल के बाद. और फ्रेंड नंबर 2 जो है, उसको उसने 5,000 रुपए दिए प्रिंसिपल मुद्दल, उससे वो रेट कलेक्ट कर रहा है 30% इसके हिसाब से, और 3 साल के लिए PRT अपॉन 100. 00 फिर से कैंसिल. 1500 इंटू 3, 4500. तो अभी दोनों दोस्त से जो अमाउंट उसने कलेक्ट किया, फ्रेंड वन प्लस फ्रेंड टू, तो इट विल बी इक्वल टू 7500 प्लस 4500. 3 साल में वो दोस्तों से इतना कलेक्ट कर रहा है, 12,000. लेकिन बैंक को वो 9,000 ही वापस दे रहा है, मतलब उसने 3,000 कमा लिया. ऑप्शन 3. समझ में आया? यस सर. सर इजी लग रहा है सर, वहां तक कंफ्यूज हो रहा था. हाँ हाँ, वो ऐसे समझना, रियल लाइफ के जैसे समझना जरूरी है.
चलो ठीक है, अगला वर्कशीट नंबर टू के कुछ चैट में भी लिखे थे डाउट के क्वेश्चन नंबर 9, 17, 21, 42 इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप बता देना, मैं पहले ये क्वेश्चन ले लेता हूँ ठीक है। वर्कशीट टू के डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 9, रुपीज 800 बिकम्स रुपीज 956 इन 3 years एट अ सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, व्हाट अमाउंट विल रुपीज 800 बिकम इन 3 years? ठीक है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे समझना है कि ये जो व्यक्ति है खुद दूसरों को लोन दे रहा है, ऐसे समझो। तो अभी उसने अगर 800 रुपीज दिए किसी को तो 3 साल में उसको 956 रुपीज वापस मिल रहे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। मतलब ये अमाउंट है, अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 956 इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब इंटरेस्ट इस केस में आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, 956 में से 800 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सो आई कैन से हियर अमाउंट इज इक्वल टू 956, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 800 एंड व्हाट एल्स इज गिवन, नंबर ऑफ इयर्स 3 years। तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 956, उसको जो मिला 3 साल के बाद, माइनस मुद्दल 800, 6,5,156 रुपीज, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हुआ फर्स्ट लाइन का मीनिंग। अभी सेकंड लाइन में हमें बोला गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से बढ़ा दिया then what amount will rupees 800 become in 3 years? 4% से अगर हमने बढ़ा दिया तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसी केस में हमें रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है SI is equal to P into R into T upon 100। ये सारे वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, SI का वैल्यू 156, P का वैल्यू 800, R का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, टाइम ड्यूरेशन 3 years अपॉन 100, 00 कैंसल, आर इज इक्वल टू 156 अपॉन 24, कितना आता है रे देखो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके बताओ, आई थिंक सर कैलकुलेटर पे करके बताओ, I think the same thing. अरे कोई एक जन करो ना कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी। सर 6.5। ठीक है सर, यस सर 6.5%। ये रेट हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% से बढ़ाया तो उस केस में उसको व्हाट अमाउंट, कितना अमाउंट मिलेगा, ये पूछा गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी पिछला रेट था 6.5, इसको 6.5%, इसको 4% से बढ़ाया तो रेट होगा 10.4%। अभी इस केस में हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले हमें इस केस में, सेकंड केस में SI निकाल लेंगे, प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, दैट इज 800। अभी इस केस में SI निकालते वक्त P इंटू R इंटू T अपॉन 100,
यहाँ प्रिंसिपल 800 इनटू आर इज 10.4 इनटू टाइम ड्यूरेशन इज 3 इयर्स सर सर बोलो बोलो सर यहाँ पे आप 6.5 प्लस 4 का 10.5 होगा ना सॉरी 10.5 800 में से 00 ये कट कर दिया 100 अपॉन 100 है इसलिए 8 इनटू 3 24 इनटू 10.5 चलो इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट बोलो 252 ये आया सिंपल इंटरेस्ट तो ये 252 हमने अगर ऐड कर दिया 800 में तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 1052 रुपीज सॉरी अमाउंट ये हमें पूछा गया था अमाउंट ये फाइनल आंसर है ठीक है 800 प्लस 252 समझ में आया यस सर ऑप्शन 3 इज करेक्ट और सर क्वेश्चन नंबर 15 में सर वो डबल कैसे करने का सर डबल की ट्रिपल उसको 100 अज्यूम करने का इनिशियल अमाउंट को 100 अज्यूम करो तो बहुत आसान जाता है सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल त्याला आपण मुद्दल म्हणतो तो मुद्दल 100 रुपीज घ्यायचे देन कॅल्क्युलेशन बिकम्स व्हेरी इजी क्वेश्चन 15 समझो प्रिंसिपल हमने 100 रुपीज अज्यूम कर लिया तो वो क्या बोल रहा है अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 इयर्स 12 साल में ये डबल हो रहा है टी का वैल्यू है 12 इयर्स 12 साल में डबल हो रहा है इसका मतलब क्या है अमाउंट जो है वो 2 टाइम्स प्रिंसिपल है ठीक है अमाउंट इज 2 टाइम्स प्रिंसिपल या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ठीक है अमाउंट इज 2 टाइम्स प्रिंसिपल तो इस केस में एसआई जब आप कैलकुलेट करते हो तो एसआई विल बी अमाउंट माइनस द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 2 टाइम्स प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल सो 2p माइनस p सो दैट इज p ओनली तो एसआई का वैल्यू हमें p लेना है अभी कैलकुलेट करो तो हमें पूछा गया क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो इन हाउ मेनी इयर्स वुड इट ट्रिपल इटसेल्फ तो पहले हमें ट्रिपल करने से पहले हमें पहले जो पता नहीं है वो फाइंड आउट करना जरूरी है सो नाउ वी विल गेट हियर एसआई इक्वल्स टू पी इनटू आर इनटू टी अपॉन 100 इसमें से एसआई के जगह मैंने पी डाल दिया ये पी इनटू आर हमें पता नहीं है इसलिए वैसे का वैसे रहने दिया टाइम ड्यूरेशन 12 इयर्स है अपॉन 100 अभी ये दोनों साइड पी कैंसिल होगा मतलब यहाँ पे 1 बचेगा सो 12 इंटू आर विल बी इक्वल टू 100 रेट विल बी 100 अपॉन 12 मतलब वो आ जाएगा 25/3% इतना रेट आएगा 25/3% अभी हमें बोला गया कि अमाउंट ट्रिपल कितने साल में होगा इस केस में हमें टी क्वेश्चन मार्क तो फिर से इस केस में पहले एसआई कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है 3p माइनस p वो आ जाएगा 2p तो अभी कैलकुलेट करो फॉर्मूला यूज करके एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एसआई हमने हमें लेना है यहाँ पे 2p इज इक्वल टू पी इंटू रेट हमने वो इसीलिए कैलकुलेट करके रखा पहले से यहाँ 25/3 इंटू टाइम ड्यूरेशन हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 100 एज इट इज दोनों साइड पीपी कैंसिल 100 इंटू 2 200 इज इक्वल टू 25/3 इंटू टी तो ये आ जाएगा इसका कैलकुलेशन 600 अपॉन 25
24. So T is equal to 24 years. ठीक है तो ओके सर समझ में आया सबको. यस सर. देयर इज वन शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस सर. मैंने शॉर्ट ट्रिक यूज ही नहीं किया सॉरी. प्रिंसिपल 100 रुपीज अज्यूम करना चाहिए था. छोड़ दो अभी अभी मैंने मेथड से ही सॉल्व कर दिया. प्रिंसिपल 100 रुपीज लिया नहीं. ठीक है शॉर्ट ट्रिक बोलो बेटा. सर अगर मीन सर मैं मराठी में बोलू क्या? बोलो बोलो बोलो. सर सम इथे एक क्वेश्चन दिलाय सर आणि त्याची दिली मी ती सांगतो. एक रक्कम 4 वर्षात दुप्पट होते तर ती किती वर्षात 5 पट होईल सर? तर इथे 4 वर्षात दुप्पट होते त्याच्यामुळे एन इज इक्वल टू 2 आणि किती वर्षात 5 पट होईल त्याच्यामुळे एम इज इक्वल टू 5 आणि टी इज इक्वल टू म्हणजे एक रक्कम 4 वर्षात दुप्पट होते त्याच्यामुळे टी इज इक्वल टू 4 सर. तर तिथे त्याचा फॉर्म्युला दिलाय एम मायनस 1 divided by n minus 1 into t. Yes. Correct है. ठीक है वो शॉर्टकट भी हम बोल सकते हैं. Yes, correct. That shortcut also we can use. आप शेयर कर दो बेटा उसका फोटो. जिसको समझ में आएगा यूज करेगा. वो करेक्ट है वैसे ही शॉर्टकट यूज है यूज होता है. एम माइनस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू टी. तो यहाँ पे ये शॉर्टकट देखो कैसे है कि डबल और ये है ट्रिपल. माइनस वन बाय टू माइनस वन. हाँ डबल और ट्रिपल. तो कितने साल में अमाउंट ट्रिपल होगा वो पूछा गया. तो कितने साल में ट्रिपल होगा? तो ट्रिपल माइनस वन अपॉन डबल माइनस वन इंटू 12 इयर्स. सो दैट इज 24 इयर्स. ये 2 आएगा इसका कैलकुलेशन. 2 इंटू 12 24 इयर्स. ये शॉर्टकट है उसका. मतलब ये जो दूसरा वाला पूछा गया हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक टू 5 टाइम्स या ट्रिपल ये पहले लेना है. ऊपर न्यूमरेटर में उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो अपॉन जो दिया हुआ कंडीशन है डबल जो भी है ट्रिपल वो वाला यहाँ पे लेना है. Your other class. 8 बज गए क्या? अरे बाप रे कहाँ तक पहुंचे हम? 15 तक. ठीक है अभी 15 के बाद तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले आएंगे. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले डाउट्स हम कल डिस्कस करेंगे. आज सिंपल इंटरेस्ट वाले सारे हो गए. ओके सर. ओके बाय. थैंक यू ऑल वेरी मच. बाय सर. बाय बाय.